आपने जनवरी में डेरिवेटिव खत्म किया और उसके बाद आपका अगस्त में एग्जाम है और आप मान लीजिए कि सीधा जुलाई में या जून में उठा रहे हैं जाके उस सब्जेक्ट को वापस, तो क्या आपको सीरियसली ऐसा लग रहा है कि जनवरी से लेकर जुलाई तक की आपके माइंड में हर चीज अच्छे से बनी रहेगी? इट्स लाइक दिस, एक इफेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वो है जिसमें हर फेज में आप सेम चैप्टर को कम समय में कर पा रहे हैं। कोई कैंडिडेट कहते हैं सर एग्जाम के एक महीना पहले कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई कहते हैं कि हमने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी थी वो कह रहे थे एग्जाम के डेढ़ दो महीना पहले पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। इफेक्टिवली तो सही कह रहे हैं सारे के सारे लोग। हेलो कैंडिडेट, मैं हूं करण सिंह, लीड फैकल्टी एट द वॉल स्ट्रीट स्कूल फॉर फाइनेंस एजुकेशन। आज मैं आपके बीच में बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आया हूं। मुझसे कैंडिडेट्स अक्सर पूछा करते हैं कि सर क्या इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है, क्या हम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना गोल्डन अटेम्प्ट बना सकते हैं? क्वेश्चन तो बहुत रिलेवेंट है, स्पेशली बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव एग्जाम। यू वुड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट योर मनी ट्वाइस, यू वुड वॉन्ट टू स्पेंड इट वंस एंड गेट टू द नेक्स्ट लेवल। आइए आज की वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे इस एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाएंगे। बिफोर आई start telling you, let me point out to a few factors which would not really matter a lot. So what I'm trying to say is कि जो चीजें बहुत ज़्यादा matter नहीं करेंगी वो है आपके past results. इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके under graduation या class 10th or 12th के marks कम रह गए थे। Vice versa इस बात से भी कोई बहुत ज़्यादा advantage नहीं होने वाला है कि आप class 10th 12th के topper रहे थे या फिर under graduation में बहुत अच्छी पढ़ाई की थी। Yes, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर आते हैं पुराने टाइम पे अच्छी पढ़ाई करने के, आपका थोड़ा सा डिसिप्लिन ज्यादा होता है, आपके कुछ चीजों में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, बट ऑल सेट एंड डन दिस इज अ फ्रेश गेम, दिस इज अ फ्रेश स्टार्ट। अगर आप यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पास्ट रिजल्ट्स यू कैन स्कोर वेरी वेल अहेड। पॉइंट नंबर टू, आपके जॉब एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। Yes, अगर आपने इक्विटी रिसर्च या मॉडलिंग ऐसे किसी डोमेन में जॉब कर रखी हो तो उसकी वजह से आपको कुछ एडिशनल न्यूएंसेस पता होते हैं फाइनेंस वर्ल्ड के, जिसकी वजह से थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी बढ़ जाती है, बट दैट डज नॉट मीन कि यहाँ पे एफर्ट्स कम करने से भी आप अच्छे रिजल्ट्स ला पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऑल सेड एंड डन, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, CFA इज अ फ्रेश चैप्टर, आप इसे उतनी रिस्पेक्ट दीजिए जितनी ये डिजर्व करता है, एंड यू वुड बी थ्रू इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट्स अ प्रॉमिस दैट आई कैन मेक। सो हम पूरे के पूरे एग्जाम प्रिपरेशन को फोर फेजेस में डिवाइड कर लेंगे और हर फेज का डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हर फेज में प्रेप किया जाए और ये मेक श्योर किया जाए कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को गोल्डन अटेम्प्ट बनाया जा सके। ये चार फेजेस कौन से हैं? फेज नंबर वन इज कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी ऑफ द कोर्स, फेज नंबर टू रोलिंग रिविजन्स, फेज नंबर थ्री गिविंग द मॉक एग्जाम्स, फेज नंबर फोर वन फाइनल रिविजन। आइए चारों फेजेस को डिस्कस करते हैं डिटेल में। फेज नंबर वन की बात करते हैं सबसे पहले। जब मैं फेज वन कह रहा हूँ तो मेरा मीनिंग ये है कि हम पूरे के पूरे कोर्स को कम्प्लीट करेंगे। कोर्स कम्प्लीशन मीन्स नॉट लीविंग एनीथिंग बिहाइंड। मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात करता हूँ। I'll tell you how to complete one chapter and then the same pattern can be modulated towards completing all the chapters. अगर आप मान लीजिए एक quantitative aptitude का first chapter pick करते हैं तो इसको close करने का तरीका क्या रहेगा? Your step number one should be to watch complete class videos and to do everything in the class notes that have been provided to you. अगर आप खुद से preparation कर रहे हैं, if you are a self-study student, even then the plan remains pretty much simple. In that case, you will substitute class videos and class notes with your self-study notes. ठीक है ना? तो आप कोई refresher book से पढ़ रहे होंगे, उसे उसका use कर लीजिए और अपने step one को close करिए. Step two, it would be advisable कि कोई भी एक book, let's say one refresher book you can complete. Step number three, doing CFA के book के solved examples. CFA आपको जो curriculum provide करता है, it's like the bible for you guys. आप इस book में जो within the chapter questions हैं, उन्हें जरूर solve करें. In fact, consider that to be a way of learning the concept. So मान लीजिए आपने पूरा का पूरा chapter class में videos से कर लिया, उसके बाद sequentially move करिए और हर सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करते जाइए। आपसे खुद बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता तो उस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को देख के ये एनालाइज करें, ये समझे कि आपसे क्या मिस हो रहा था और आपको क्या जानना चाहिए था। जो आपके क्लास नोट्स थे जिसकी बात स्टेप वन में हो रही थी, वहाँ पे आप स्टेप नंबर थ्री की लर्निंग्स को इनकॉर्पोरेट करते जाइए। सर दोबारा समझाओ इस पॉइंट को, सुनना ध्यान से। आपने स्टेप थ्री में क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सारे 20 तो बन नहीं जाएंगे, फिर भी 15-17 क्वेश्चन बन गए, जो दो तीन क्वेश्चन नहीं बने वो क्यों नहीं बने इसे एनालाइज करो और यहाँ का जो लर्निंग है, जो टेक अवे है, इसे आप पॉइंटर्स बना के अपने मेन नोट्स में जो स्टेप वन में आपने बनाए थे या जो पढ़े थे जो क्लास टीचर ने प्रोवाइड किए थे उस पे ऐड कर दीजिए। ये हो गए आपके तीन स्टेप्स कंप्लीट। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद मैं ये मान रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें आती हैं, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। वंस यू हैव कंप्लीटेड दीज थ्री स्टेप्स, मेरा ये मानना है कि आपको अब कॉन्सेप्चुअली सब कुछ समझ आ गया। अब चलते हैं स्टेप फोर पे, प्रोबेबली द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप। इस स्टेप में मेरा ये एडवाइस है आपको कि आप एंड ऑफ करिकुलम क्वेश्चन, जिसको ईओसी क्वेश्चन भी कहा जाता है, उसे सॉल्व करें। ईओसी क्वेश्चन ऑब्लिक पोर्टल क्वेश्चन बोलना चाहिए मुझे,
CFA Institute आपको अपने पोर्टल का एक्सेस देता है, उसमें भी मोर और लेस EOC क्वेश्चंस है और उससे कुछ फालतू क्वेश्चंस है, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस है वहां पे। तो आप EOC कर ले या पोर्टल कर ले कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। पोर्टल में ज्यादा क्वेश्चंस है तो इट वुड बी एडवाइजेबल कि पोर्टल क्वेश्चन सॉल्व करें, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस वीडियो आई विल नेम इट एज EOC क्वेश्चंस। तो स्टेप 4 इज सॉल्विंग दीज EOC क्वेश्चंस। इन EOC क्वेश्चंस को मजाक में नहीं सॉल्व करना है, इन EOC क्वेश्चंस को उस रिस्पेक्ट के साथ सॉल्व करना है एज इफ यू आर सिटिंग इन अ लाइव एग्जाम। आपको इन EOC क्वेश्चंस को टाइम बेस्ड मैनर में सॉल्व करना है। 1.5 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए L1 में और 3 मिनट मिलेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए Level 2 में। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसी टाइम बेस्ड मैनर में करें। एग्जाम्पल, अगर आपने चैप्टर 1 खत्म किया और इसके पीछे 10 क्वेश्चंस दिए तो एक क्वेश्चन का 1.5 मिनट, 10 क्वेश्चंस के 15 मिनट, 15 मिनट का स्टॉप वॉच टाइमर सेट करो और क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करो। फोन को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। उससे ये होगा कि अगले 15 मिनट अब अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दे पाएंगे उन 10 सवालों को। मान लो 15 मिनट में आपने 7 सवालों का आंसर दे दिया और 3 नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम। 15 मिनट का समय खत्म, हमारे हुए सिर्फ 7 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब आगे के 3 क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद अपने आप को ग्रेड करने बैठो। अब एक बार अपने आंसर्स को मैच करो बुक के आंसर्स के साथ और देखो कि क्या गलती थी। मान लो इन 7 सवालों में से आपके 6 करेक्ट हुए तो अवार्ड योरसेल्फ 6 out of 10। ये मार्क 6 out of 10 आप अपने इंडेक्स में, इस चैप्टर के इंडेक्स पे, बुक पे लिखिए कि 6 out of 10 इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन दिस टेस्ट। मैं कैसे करता था, मैं लिखता था Test 1, चैप्टर के ऊपर मैं लिखता था Test 1 6 out of 10 और ब्रैकेट में लिखता था 3 नॉट अटेम्प्टेड 1 इनकरेक्ट, और उसके बाद जो 1 इनकरेक्ट है उसका नंबर मैं डाल के रख देता था। इससे ये होता था कि जब भी मैं इस चैप्टर को रिविजिट करूंगा मुझे पता होगा कि हाँ मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 7 को नहीं कर पाया था और इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा सॉल्व करना है। इस चीज को मैं एरर लॉग कहता हूँ। इसी तरीके से जो बाकी के 6 क्वेश्चंस थे, अगर आपने वो 6 क्वेश्चंस इजीली बन गए थे तो ग्रेट, मान लीजिए उनमें से 4 इजीली बन गए थे लेकिन 2 बहुत मुश्किल क्वेश्चन थे और आपने उसमें तुक्का मारा था, यू हैड जस्ट अ फ्लूक, मतलब इट वाज जस्ट अ फ्लूक दैट यू गॉट इट करेक्ट, तो आप इन 2 क्वेश्चंस को भी एरर लॉग या डिफिकल्ट क्वेश्चंस लॉग में लिखें। सर ये बहुत ज्यादा कंबर्सम, ये बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं हो रहा है दोस्त, ये एक बार की मेहनत है। वंस यू आर डन विद दिस योर प्रिपरेशन विल बी वेरी वेरी स्मूथ। कैसे, सुनना, स्टेप 1, 2, 3 का यूज करके कॉन्सेप्ट तगड़े हो गए। स्टेप 4 में आके आपने अपनी गलतियां देखी। स्टेप 4 में आपका एरर लॉग बन गया। स्टेप 4 में आपका डिफिकल्ट क्वेश्चंस का लॉग बन गया। आपको ये पता चल गया कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर स्कोर 75-85 के बीच में आ रहे हैं, 70-80 प्लस आ रहा है, तो आई थिंक यू आर सॉर्टेड। अब अगले चैप्टर में सेम प्रोसेस करिए और आगे मूव कर जाइए। मान लीजिए आपका स्कोर आ रहा है 60-65, तो दोस्त पूरे के पूरे चैप्टर को दोबारा करना पड़ेगा। ये जो मैंने पूरे स्टेप्स बोले दोबारा करिए। 60% अगर यहाँ पे आ रहा है तो एग्जाम में 75% तो आएगा नहीं। एग्जाम में 70% का MPS होना है। हम इस एग्जाम के लिए फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर अभी रेडी नहीं है, तो वी विल हैव टू रीडू द होल पीस, दैट्स समथिंग विच इज 100% श्योर। अब जैसे ही आपके 4 स्टेप कंप्लीट हो गए, आपका एरर लॉग भी बन गया। एरर लॉग वाज योर 5th स्टेप एज सच, बट अगर आपने ये 3 स्टेप्स कर लिए, पढ़ाई कर ली, मतलब पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लिया अच्छे से, एग्जांपल सॉल्व कर लिए, स्टेप 4 में आके आपने EOC सॉल्व कर लिया, स्टेप 5 में आपने एरर लॉग भी बना लिया, इफेक्टिवली अगर आप ध्यान दें तो आप इस 5 स्टेप्स को फॉलो करके अपने पूरे के पूरे नोट्स क्रिस्टलाइज कर चुके हैं। दिस इज वॉट एन इफेक्टिव प्रेप मेथड लुक्स लाइक। अब आप जब भी रिविजन करेंगे तो 4 घंटे के बदले 1 घंटे में रिविजन होगा। बार बार सेम मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप विदाउट डूइंग 5 revisions, इमेजिन ही नहीं कर सकते पास होना। इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल टू गेट थ्रू इन दिस एग्जाम विदाउट डूइंग 4-5 revisions ऑफ एवरी टॉपिक, ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ऑफ एवरी स्मॉल पीस ऑफ थ्योरी। इस वजह से आपके नोट्स क्रिस्टलाइज होना जरूरी है। अब आपके फेज 1 में नोट्स तो क्रिस्टलाइज हो ही गए, अब अगले फेजेस में सिर्फ इन नोट्स को जिनको आपने अब फाइनल कर लिया, इनको रिविजिट करते रहना है और अपने चांसेस ऑफ पासिंग द एग्जाम को ऊपर ले जाते जाना है। मान लीजिए ये था आपका एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद का स्टेटस, मीनिंग अगर आपने एक चैप्टर में लेट्स से 75% स्कोर किए, चैप्टर 2 में लेट्स से 78% स्कोर किए EOC में, ऐसे कर करके आपका ओवरऑल एवरेज आपके CFA के पोर्टल पे भी रिफ्लेक्ट करता है। मान लीजिए अगर आपका ओवरऑल एवरेज CFA पोर्टल का 70 आ रहा है या 72-73 आ रहा है, तो आप एक बार सोच के देखिए, जब आप एक बार चीजों को पढ़ रहे हैं तो 72-73-75% पर बैठे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आप 4 रिविजन और कर लें तो एग्जाम डे पर कोई चांस ही नहीं है कि आप 85 से स्कोर कम करें, और अगर आप 85 स्कोर करें तो आई एम टेलिंग यू इट इज 101% श्योर दैट यू विल पास द एग्जाम, क्योंकि CFA इंस्टीट्यूट का MPS तो मोटा मोटा 70% है। 70 का 75 हो जाएगा, 5-10% का वेरिएशन ही हो सकता है ना, 70 का 75 चला जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा, कोई 90% थोड़ी ना होने वाला है MPS। और अगर 85-80% आप ऑलरेडी स्कोर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से यू आर सॉर्टेड फॉर एग्जाम्स। दिस वॉज अबाउट द फेज 1, नाउ आई एम मूविंग टू फेज नंबर 2। फेज नंबर 2 विल डिसाइड how effectively you are prepared for your exam. Phase 2 is rolling revisions. Sir, rolling revisions ka kya matlab hai?
मैं बहुत सारे कैंडिडेट से मिलता हूँ जिनका बीकॉम बीबीए का बैकग्राउंड होता है, और वो कैंडिडेट्स मुझे कहते हैं कि हम किस दिन तक अपना कोर्स कंप्लीट कर ले सीएफए में, और इस दिन के बाद से हम अपना रिविजन स्टार्ट कर ले। कोई कैंडिडेट कहते हैं सर एग्जाम के एक महीना पहले कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई कहते हैं कि हमने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी थी वो कह रहे थे एग्जाम के 1.5-2 महीना पहले पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। इफेक्टिवली तो सही कह रहे हैं सारे के सारे लोग, बट मेरा ये मानना है कि आपको प्रिपरेशन इस तरीके से करनी नहीं चाहिए कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को दो फेजेस में डिमार्केट कर दें, दो फेजेस में बांट दें कि फेज वन स्टडीज फेज टू रिविजन्स। नो, बिल्कुल गलत है ये। मेरे हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ रिविजन्स भी करते जाएं। जैसे ही आपके दो सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो आपको रिविजन स्टार्ट करना चाहिए। सब्जेक्ट नंबर 1 इज डन, स्टार्ट सब्जेक्ट नंबर 2। सब्जेक्ट नंबर 2 इज डन, स्टार्ट सब्जेक्ट नंबर 3 एंड स्टार्ट रिवाइजिंग सब्जेक्ट नंबर 4। सब्जेक्ट 3 इज डन, स्टार्ट सब्जेक्ट 4 एंड स्टार्ट रिवाइजिंग सब्जेक्ट नंबर 2। तो एक तरीके से आप चेन बनाते जाइए अपने पास ही, एंड डेडिकेट 25% ऑफ योर डेली रूटीन टू द सब्जेक्ट 1 रिविजन। अगर आप 10 घंटे पढ़ते तो 25% समय, मतलब 2.5 घंटे रिविजन करें और 7.5 घंटा न्यू सब्जेक्ट पढ़े। वन सब्जेक्ट 3 इज डन, आप सब्जेक्ट 4 नया फ्रेश उठाएं और सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों की रिविजन करें। और जैसे जैसे आप टूवर्ड्स एग्जाम अप्रोच कर रहे हैं आप अपने रिविजन के टाइम को बढ़ाते जाएं और फ्रेश सब्जेक्ट के टाइम को कम करते जाएं। हो सकता है आप एग्जाम से एक महीना दूर जब पहुंचे, मतलब वंस यू आर 1 month अवे फ्रॉम द एग्जाम, यू माइट नॉट हैव कंप्लीटेड 100% ऑफ द सिलेबस, यू माइट हैव कंप्लीटेड जस्ट 8 subjects, बट ट्रस्ट मी यू वुड हैव रिवाइज्ड एटलीस्ट 5-6 subjects 3-4 times। अब आपको लगेगा ये 5-6 subject तो डन है, इनमें तो समस्या है नहीं, जो 2 subjects बाकी हैं इसके नंबर ऑफ रिविजन कम रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत फ्रेश पड़े हुए हैं, और जो 1-2 subjects थोड़े से पास में पड़े हुए हैं इसका 1-2 revision कर लेंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंस्टेड ऑफ डिमार्केटिंग योर ओवरऑल प्रिपरेशन इनटू 2 phases, मीनिंग फेज नंबर 1 स्टडीज, फेज नंबर 2 रिविजन ऑफ द स्टडीज, इससे बेटर है कि इन दोनों फेजेस को मर्ज कर लीजिए। आप बोलिए स्टडीज विथ रोलिंग रिविजन बड़ा टाइम फ्रेम है। एक और बात ध्यान दीजिए, अगर आप जनवरी में डेरिवेटिव्स कर रहे हैं और आपका अगस्त में एग्जाम है, आपके पास इफेक्टिवली बीच में 6-7 महीने हो गए। इफ यू इमेजिन कि जनवरी में सब्जेक्ट खत्म करने के बाद सीधा जून में उठाओगे या जुलाई में उठाओगे रिवाइज करने के लिए, ट्रस्ट मी रिविजन में उतना ही समय लग जाएगा जितना पहली बार पढ़ने में लगा था, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि ये इफेक्टिव तरीका नहीं है पढ़ाई करने का। आपकी हर बार की पढ़ाई में समय कम लगना चाहिए, ये तभी पॉसिबल है जब आप हर बार उस सेम टॉपिक को 1-1 महीने में 15 दिन 20 दिन 25 दिन के अंतराल में वापस टच करते रहे। एंड दिस इज वेरी मच डूएबल, ट्रस्ट मी, आई हैव ऑलवेज फॉलोड द सेम अप्रोच व्हाइल स्टडी, आई हैव ऑलवेज मेड कैंडिडेट्स फॉलो द सेम अप्रोच व्हाइल ट्रेनिंग देम। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। यस, द ओनली चैलेंज इन दिस पीस इज दैट आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है, और डिसिप्लिन ही तो की है इस एग्जाम को पास करने की। तो मेरे हिसाब से रोलिंग रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जब स्टार्ट कर रहे हैं तो 25% समय रोलिंग रिविजन्स को, जब टुवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ द प्रिपरेशन है तब 75-80-90% भी अगर रिविजन्स को दे तो बिल्कुल ठीक है। ये था स्टेप, ये था फेज नंबर 2 रादर, दिस वाज फेज नंबर 2। आई एम मूविंग टू फेज 3 नाउ। मैंने आपको जो प्लान बताया है ये ऐसा है कि आप फेज 1 प्लस फेज 2 का टोटल करें तो आप एग्जाम से एक महीना दूर खड़े होने चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अगर आपके एग्जाम अगस्त में है तो आपको जुलाई तक फेज 1 और फेज 2 को खत्म कर लेना, मीनिंग आपका पूरा प्रिपरेशन डन है, आपका रोलिंग रिविजन्स भी डन है, मोर और लेस सारा का सारा सिलेबस डन है, 5-10-15% इधर उधर रहता है तो चल जाएगा, बट मोर और लेस एवरीथिंग इज डन। अब आपके पास इफेक्टिवली एक महीना बचा है पढ़ाई करने के लिए, एक महीना मीनिंग अराउंड 4-4.5 weeks और समथिंग, 30 days गिव और टेक। इट्स लाइक दिस, आप अगले 10 दिन के अंदर अंदर 2 mock exams को अटेम्प्ट कर लें, मे बी 5-6 दिन 7 दिन का समय ले लें पहली बार मॉक देने के लिए, और उसके बाद 3 दिन का समय लें और दूसरी बार फिर मॉक दे दें। तो आप एग्जाम से 20 दिन पहले तक अपने प्रिपरेशन प्लस अपने मॉक्स सबसे डन हो चुके, प्रिपरेशन प्लस रिविजन में शुरू का समय जा चुका था 4-5-6 महीना जो भी, और उसके बाद के 10 दिन जा चुके हैं 2 बार एग्जाम देने में, मॉक 1 एंड मॉक 2। अब बचे हैं लास्ट के 21 दिन, 3 weeks। ये 3 weeks में यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू विल नॉट अपीयर फॉर अ सिंगल मॉक। आई रिपीट, आखिरी 3 weeks में कोई मॉक्स नहीं दे रहे, इनफैक्ट मैं तो जनरली कहता हूँ कि पूरे आखिरी के मंथ में मॉक्स मत दो, जो मॉक्स देने उसके पहले दे दो, बट लास्ट सिनेरियो अगर मैं बोलूं तो लास्ट 3 weeks इज अननेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल, लास्ट 3 weeks में कोई मॉक्स नहीं दे रहे। ये स्टेप 4 है, फेज 4 इज अबाउट 1 final revision। आई एम सेइंग दिस 1 final revision, बट व्हाट आई रियली मीन इज इस रिविजन के फेज में आप एटलीस्ट सारी की सारी पढ़ाई 3-4 बार कर पाओगे। मे बी 21 दिन का समय रहता है, 10-10.5 दिन का टाइम दीजिए एक रिविजन करिए, 6 दिन का टाइम लीजिए दूसरा रिविजन करिए, 3 दिन का टाइम लीजिए तीसरा रिविजन करिए, और लास्ट 1 दिन में जो आपके सबसे वीक टॉपिक्स हैं उनको दोबारा कर लीजिए। तो मे बी 3 revisions, इफ पॉसिबल 4 revisions इन लास्ट 3-4 weeks शुड वर्क लाइक अ चार्म। ये 4 phases आपको आपके फर्स्ट अटेम्प्ट को गोल्डन अटेम्प्ट बनाने में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। आपको इस एग्जाम का फेज दूसरी बार नहीं देखना पड़ेगा। आई होप दैट दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल फॉर यू, आई वॉन्ट नथिंग मोर टू एड। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो वो हमें चैट बॉक्स में लिख के जरूर क्वेश्चन करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के आंसर्स देने के। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा,
अगर आपके कुछ रिकमेंडेशन हो कि और क्या चीजों पे वीडियोस बनने चाहिए, या फिर इस पूरे के पूरे फेजेस में या इन स्टेप्स में अगर कोई क्वेरी हो तो वो क्वेरी को मेंशन करिएगा, हम कोशिश करेंगे आप लोगों के जवाब देने की। अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करिएगा, बट हमें बताइएगा जरूर कि आपको क्या चीज बेनिफिशियल लग रही है और क्या चीज नहीं। थैंक्स अ लॉट, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड एज आई ऑलवेज से, मे गॉड बी बाय योर साइड व्हेन यू आर गिविंग योर एग्जाम्स। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।